नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, अब 31 जिलों में खिलाड़ियों को मिलेगी ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ राज्य में अब 31 जिलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हुई। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है। इस पर राज्य के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के लिए 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी। सीजीपीएससी और सीबीआई जांच पर बोले पूर्व सीएम भूपेश, 2008 घोटाले का किया जिक्र। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं। दिल्ली से वापस लौटने के बाद पूर्व सीएम भूपेश ने अलायंस कमेटी की बैठक के साथ साथ छत्तीसगढ़ में चर्चित सीजीपीएससी मामले और सीबीआई जांच को लेकर अपनी बात रखी है। इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने न्याय यात्रा पर बोले, भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री चंद्राकर पर तंज कसा है। सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे 12,000। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को सालाना 12,000 देने का क्राइटेरिया तय किया जा रहा है। 80 लाख महिलाएं इस योजना के तहत विचाराधीन हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 20% महिलाएं ऐसे वर्ग से आती हैं जो संपन्न है। सरकारी नौकरी और व्यापारी वर्ग की महिलाएं भी इस दायरे से बाहर हो जाएंगी। अनुमान है कि ये भी 10-15% हो सकती है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मिलेंगे एक और जज। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को एक और जस्टिस मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद वर्मा के नाम के अनुशंसा जस्टिस बनाने के लिए की है। जल्द ही उनके नाम से वारंट जारी हो जाएगा। अरविंद वर्मा को जस्टिस बनाने की अनुशंसा 6 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री के परामर्श से की। सचिन पायलट का 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 11 जनवरी को दौरे पर आ सकते हैं। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सचिन का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। वो यहां कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे और संगठन की पूरी जानकारी लेंगे। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वर्ज ने भी दिल्ली में उनसे मुलाकात की। भारी मुसलमानों को छत्तीसगढ़ में बसाया, पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप। जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्लानंद सरस्वती का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सीएम ने बाहर से मुसलमानों को लाकर छत्तीसगढ़ में बसाया है, हिंदू को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की है। परिणाम है कि चारों खाने चित हुए। वहीं रमन सिंह काल में भी ईसाई धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया। छत्तीसगढ़ में गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर बनेगी गैंग्स ऑफ रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की क्राइम से जुड़ी घटनाएं फिल्म में नजर आएंगी। जिस तरह गैंग्स ऑफ वासेपुर बनी थी, वैसे ही गैंग्स ऑफ रायपुर बनाई जाएगी। इस फिल्म की कहानी में रायपुर की क्राइम से जुड़ी घटनाओं पर आधारित होगी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद खान और डायरेक्टर के शिव कुमार हैं। दुर्ग से चलेगी अयोध्या धाम के लिए 2 स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने देश भर में 1,000 ट्रेनें चलाने का आदेश जारी किया है। SECR से कितनी ट्रेनें चलेंगी यह तो वर्तमान में स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से माने तो दुर्ग से अयोध्या तक 2 ट्रेनें चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। अब हर निजी अस्पताल की होगी जांच। बिलासपुर के स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी में लाने की कवायद तेज कर दी गई है। इस कड़ी में अब ऐसे सरकारी डॉक्टर जो सिम्स जिला अस्पताल के साथ अन्य चिकित्सीय केंद्र में कार्यरत होने के साथ ही चोरी छिपे निजी अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं, इन डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि सरकारी अस्पतालों की चिकित्सीय सेवा बेहतर हो सके। किराए पर ले बाइक या स्कूटी, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मिल रही ये सुविधा। बियॉन्ड टाइम से आप मनचाही गाड़ी किराए पर ले सकते हैं। यहाँ आपको स्कूटी से लेकर बुलेट और कई स्पोर्ट्स गाड़ियाँ मिल जाएंगी। इन सभी गाड़ियों का किराया भी बेहद सस्ता रखा गया है। अगर आप भी बिलासपुर में किराए पर गाड़ी लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर @BeyondTimeBSP सर्च कर या फिर 9479001860 पर व्हाट्सएप या कॉल कर गाड़ी बुक कर सकते हैं। रायपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला वाटर प्लस,
कचरा मुक्त शहर में दुर्ग चौथा और रायपुर रहा पांचवा। केंद्र सरकार की ओर से करवाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में रायपुर शहर ने पांचवा स्थान हासिल किया है। वहीं दुर्ग शहर ने रायपुर को पछाड़ते हुए चौथा स्थान प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं रायपुर को वाटर प्लस कैटेगरी में भी स्थान मिला है। कुत्तों ने मचाया आतंक, रोजाना 10 से 12 लोग हो रहे डॉग बाइट का शिकार। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है। आवारा कुत्तों का झुंड गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों के साथ ही बड़े व बुजुर्गों को भी शिकार बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले एक सप्ताह के भीतर सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर में अब तक 70 से अधिक डॉग बाइट के मरीज सामने आए हैं। डरा रहा कोरोना, 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 फैलता जा रहा है। JN.1 के मामले 500 से भी ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 761 नए मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत भी हुई है। केरल में JN.1 के 148, गोवा से 47, गुजरात से 36, महाराष्ट्र से 32, दिल्ली से 15, कर्नाटक से 199, राजस्थान से 4, तेलंगाना से 2 और उड़ीसा से 1 मामला सामने आया है। CBSE ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों में किया बड़ा बदलाव। CBSE ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। 15 फरवरी से शुरू होने वाली CBSE की बोर्ड परीक्षा में 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रिवाइज्ड डेटशीट जारी किया गया है। 10वीं का तिब्बती पेपर 4 मार्च की जगह 23 फरवरी 2024 को होगा। वहीं 10वीं की रिटेल पेपर 16 फरवरी की जगह 28 फरवरी 2024 को होगी। 12वीं की फैशन स्टडीज का पेपर 11 मार्च की जगह 21 मार्च को होगा। cbse.gov.in पर भी चेक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। जापान में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बाद खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।